हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक होंगे। गाइस देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। तो ये आज मैं मिट्टी के चूल्हे पर मटर पुलाव बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया एक बर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो चलिए मैं बता देती हूँ मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। तो देखिए, ये मैंने मटर लिए हैं, दो बड़ी प्याज मैंने कट कर ली है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, ये मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, ये जावित्री ली है, ये बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार पांच लौंग और चार पांच काली मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और दो मैं ले रही हूँ हरी मिर्ची, ये मैं ले रही हूँ पीसी सौंफ, ये मैं ले रही हूँ अदरक, तो चलिए ऑयल अपना गरम होने देते हैं। तो लीजिए गाइस, ऑयल मेरा गरम हो चुका है। यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता, एक काली मिर्च, वो बड़ी इलायची, जावित्री का एक पीस, दो छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहीं पे मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मिर्ची ऐड कर दी। पीसी सौंफ, अदरक, अब इसको आप चला लीजिए। चलिए अब कर रहे हैं चावल ऐड। गाइस ये आधा घंटे पहले मैंने भिगो कर रख लिए थे चावल। तो चलिए पानी ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड किया है। बस आप इसको धीमे धीमे पकने दीजिए, ढककर बनाएंगे गाइस। इसको पकने में कम से कम आपका टाइम इसमें जाएगा, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है, तो कम से कम 8 मिनट का तो टाइम जाएगा ही जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं 8 मिनट तक। चलिए गाइस, चेक कर लेते हैं अपने चावल।
तो देखिए ऑलमोस्ट तैयार से हो गए हैं। बस अब इनको 5 मिनट के लिए आप दम पर रख दीजिए। जब तक मेरे चावल दम लगता है मेरे चावलों में, तब तक मैं क्या करती हूँ, इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए अब कर देते हैं अपना तड़का ऐड। तो देखिए ये मैं ले रही हूँ केवड़ा, और ये मैं ले रही हूँ फूड कलर, तो चलिए ऐड कर देते हैं। ये मैं ले रही हूँ रोज वाटर, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए देखिए गाइस ये किसी बिरयानी से कम नहीं है। तो लीजिए गाइस मेरे मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जो किसी बिरयानी से कम नहीं है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।